तो सामने आप ये नारंगी का पौधा देख पा रहे होंगे। ये मैं कल नर्सरी गया था, वहाँ से ये पौधा लेके आया हूँ। सामने आप देख पा रहे होंगे ये कितना हेल्दी पौधा है। एकदम इसमें एकदम देखिए कितने ज़्यादा इसमें फूल भरे हैं, और एक देखिए ये छोटा सा एक फल भी आया है। तो ये मुझे सिर्फ़ और सिर्फ एकदम बहुत सस्ते दाम में मिला है, ये 100 रुपये में मिला है। तो आज मैं इसी को इस बड़े से गमले में रिपोर्ट करूंगा। ये देखिए ये 16 इंच वाला गमला है, ये देखिए 16 इंच का ये बड़ा सा गमला है। इसमें अगर आप अपने किसी भी फ्रूटिंग प्लांट को लगाएंगे तो वो एकदम अच्छे से चलेंगे। तो आज मैं इसी को इसमें लगाऊंगा, और रिपोर्टिंग हो सके तो आप शाम के वक्त करें। ये देखिए इस तरह से इसका पॉली बैग, ये देखिए इस तरह से आप फाड़ सकते हैं या तो फिर निकाल दें। ये देखिए काफ़ी अच्छे से एकदम ये निकल गया इसका रूट बाउल। नीचे देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा रूट आई हुई है, और इसकी मिट्टी ये देखिए आप बनाए एकदम अच्छी पोरस। इसमें वर्मी कंपोस्ट ज़रूर मिलाए अपनी मिट्टी में। ये देखिए 60% नॉर्मल जो गार्डन सॉइल रहती है वो ले लें, और उसमें 30% भाई वर्मी कंपोस्ट ले लें, और 10% इसमें नदी वाला जो बालू आता है वो ले लें, तो उससे आपकी एकदम अच्छी मिट्टी बन जाएगी। और ये जो हल्दी आती है आप हल्दी भी इसमें डाल लें, उससे फंगस नहीं लगेंगी। ये देखिए इस तरह से हल्दी पूरी अपनी मिट्टी में 2-3 चम्मच डाल लेंगे ना, उससे फंगस आपकी मिट्टी में एकदम नहीं लगेंगे, आपकी मिट्टी एकदम अच्छे से बनी रहेगी। ये देखिए इस तरह से मिला लें, ये देखिए ऐसे मिलाएंगे तो आपकी मिट्टी एकदम अच्छे से बन जाएगी, आपको पौधा उसमें खूब अच्छे से एकदम चलेगा सालों साल। तो ये देखिए ड्रेनेज होल भी आप अपने गमले में एकदम अच्छे से बनाए ड्रेनेज होल। ये देखिए ड्रेनेज होल बनाने के बाद उसके ऊपर ये देखिए इस तरह से किंकड़ रख लें। किंकड़ आप रखेंगे तो आप जो पानी डालेंगे वो एकदम अच्छे से ड्रेन हो जाएगा, उसके लिए आप ये एकदम अच्छे से किंकड़ रख लें। फिर मिट्टी को आप देखिए इस तरह से अपने गमले में डाल लें, ये देखिए इस तरह से मिट्टी पूरी भर लें। ये देखिए इतनी मिट्टी डालें कि आपका पौधा एकदम अच्छे से उसमें सेटल हो जाए, एकदम भर के। यहाँ तक भी मिट्टी आप ना डालें, ये जो लाइन दिख रही है यहाँ तक मिट्टी आप भरेंगे तो आपको बाद में फर्टिलाइज़र डालना होगा तो सही रहेगा, एकदम अच्छे से आपको पौधा उसमें चलेगा। ये देखिए इस तरह से अब मैं पौधे को इसमें रख रहा हूँ, बीच में एकदम सेंटर में रखिएगा पौधा तो एकदम अच्छे से चलेगा। ये देखिए एकदम बीचों बीच में मैं रख दिया हूँ इसमें। ये देखिए अब इस तरह से बाकी ये जो मिट्टी बची है मैं इसमें डाल रहा हूँ। ये देखिए ये जो इसका ये पोर्शन रहता है इसके लेवल में आप मिट्टी भरे इस तरह से, आप एकदम अच्छे से मिट्टी पूरी भर लें अपने गमले में अगर आप भी लगाते हैं। ये देखिए इसी तरह से जैसे मैं लगाया हूँ, इसे लगाने के बाद खूब अच्छे से इसमें वाटरिंग कर दें। ये देखिए इस तरह से एकदम अच्छे से आपको पौधा लग जाएगा। अब इसमें पानी मैं डाल देता हूँ। तो देखिए इस तरह से अपने फ्रूटिंग प्लांट जब भी आप लगाएं तो उसमें पहला पानी एकदम अच्छे से भर के दें। ये देखिए अब ये पानी एकदम अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगा अंदर तक, ये पौधा एकदम अच्छे से चलेगा। ये देखिए काफ़ी हेल्दी है इसका पौधा।